वेद संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको एक आदर्श जीवन का सार व साथ ही एक मर्यादित जीवन जीने की सीख मिलती है। इस ग्रंथ में अधिकार की बजाय कर्तव्य पर ज्यादा जोर दिया गया है। यह हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम को माता सीता का वियोग सहना पड़ा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह वियोग उन्हें एक श्राप के कारण ही सहना पड़ा था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह श्राप और किसी ने नहीं बल्कि देव ऋषि नारद मुनि ने ही दिया था। इससे जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है जिसे आज वेद संसार आपको विस्तार से बताने जा रहा है। दोस्तों, एक बार की बात है जब नारद मुनि को अपने ब्रह्मचार्य पर काफी अहंकार सा हो गया था और उन्होंने अपने इस अहंकार का व्याख्यान भगवान शिव के सामने खूब किया। उन्होंने महादेव के समक्ष यह तक कह डाला कि मेरा ब्रह्मचार्य इतना अटूट है कि इसे स्वयं कामदेव भी नहीं तोड़ पाएंगे। इस पर भगवान शिव ने उनकी प्रशंसा की कि आप इस बात को आप अभिमान में आकर भगवान विष्णु जी के सामने भूलकर भी ना कहें। भगवान शिव के समझाए जाने पर भी देव ऋषि नारद उनकी बातों को नजरअंदाज किया और वह भगवान विष्णु जी के सामने अपने इस बात का गुणगान करने में जुट गए। जगत के पालनहार भगवान विष्णु उनके अहंकार को भलीभांति जान गए। फिर क्या, उन्होंने इस अहंकार को तोड़ने की रचना की, एक माया के रूप में रच डाली। वहीं जब नारद अपने प्रभु विष्णु से भेंट कर वापसी कर रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक सुंदर सा महल दिखा। उस महल में विश्व मोहिनी नाम की राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। जब नारद मुनि ने उस राजकुमारी के सुंदर रूप को देखा तो वह उस पर मोहित हो गए और वह इस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए व्याकुल हो बैठे और एक अच्छा व सुंदर रूप की चाह करने लगे, जिसके लिए वह भगवान विष्णु जी के पास चले गए और उन्होंने भगवान विष्णु जी से आग्रह करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे हरि का रूप दे दीजिए। इस पर भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे नारद, मैं आपको हरि का रूप दे दूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस रूप को लेकर पछताओ। बता दे कि नारद जी नहीं जानते थे कि हरि एक रूप जो है वह वानर का भी है। नारद जी के अहंकार को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने वानर रूप को नारद जी को दे दिया। दूसरी ओर नारद इस बात से अनजान राजकुमारी विश्व मोहिनी के स्वयंवर में हिस्सा लेने जा पहुंचे। जब राजकुमारी वरमाला लेकर सभा में उपस्थित हुए तो नारद बंदर वाले मुख को देखकर जोर जोर से हंसने लगी और उनके रूप का मजाक पूरी सभा में उड़ रहा था। नारद मुनि ने सोचा कि ऐसा क्या हुआ जो लोग मुझे देखकर इतना हंस रहे हैं और राजकुमारी मुझे वरमाला नहीं पहना रही है। तभी उस सभा में स्वयं भगवान विष्णु जी पधारे और राजकुमारी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। बस यह देखकर नारद मुनि को बेहद आश्चर्य से हुआ। उन्होंने पहले तो अपना चेहरा पानी में देखा, अपना बंदर वाला चेहरा देखकर वह बहुत ही क्रोधित हो उठे और ऐसे में उन्होंने क्रोध में आकर विष्णु जी को श्राप दे दिया कि जिस तरह मैं स्त्री के लिए तड़पा हूँ, वैसे ही आप धरती पर अपनी स्त्री के वियोग में तड़पेंगे और उस समय वानर ही आपकी मदद करेंगे। इधर जब भगवान विष्णु की माया का प्रभाव खत्म हुआ तो देव ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने तुरंत ही भगवान विष्णु जी से दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी। इसलिए दोस्तों, जब भगवान विष्णु ने धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया तो उन्हें इसी श्राप के कारण माता सीता का वियोग सहना पड़ा था। तो सारे भक्तजन मिलकर कहें जय हरि विष्णु, जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।